हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, जो है एसबीआई लाइफ का ई शील्ड टर्म प्लान। तो ये जो प्लान है, आपको हर 5 साल बाद आपके सम अश्योर्ड पर 10% का जो है एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करेगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना बंद करें। वीडियो को पूरी देखने के बाद ही ये डिसाइड करें ये जो प्लान है वाकई में आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है भाई, ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं नया हूँ तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। उसके बाजू में जो बेल का आइकन उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का हमारी इस वीडियो पर टोटल लाइक का टारगेट है टोटल 100 लाइक्स का। तो फटाफट जाकर यार पहले लाइक कर दो वीडियो को, ताकि हम अपने टारगेट को इजिली अचीव कर सकें। तो सबसे पहले ये प्लान की बात करते हैं। तो ये जो प्लान है ये 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो है लेवल कवर, ये नॉर्मल होता है, जैसे बेसिकली हर टर्म इंश्योरेंस में होता है कि अगर आप कोई पॉलिसी लेते हो तो आप अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी जो भी सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो पूरा का पूरा पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा, उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल लेवल कवर यानी नॉर्मल जो पॉलिसी है वो है। ओके, सेकेंड जो है इसका लेवल कवर विद एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। सेकेंड प्लान ऑप्शन जो है कि अगर पॉलिसी होल्डर की जो डेथ नेचुरल के साथ साथ अगर एक्सीडेंटल डेथ भी होती है तो भी जो है उसके घर वालों को जो सम अश्योर्ड का अमाउंट है, चाहे वो 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, उसके घर वालों को दे दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो था नॉर्मल कवर था, सेकेंड जो है उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऐड किया जाता है। ओके, तो ये दो प्लान ऑप्शन हो गए। थर्ड जो है इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। तो हम सबको पता है कि जो महंगाई दर है रोज हर साल जो है 6 से 7% के हिसाब से बढ़ती है। तो ऐसे में अगर आप इस इंक्रीजिंग कवर को चूज करते हो तो हर 5 साल यानी कि हर 5 साल में आपका जो भी सम अश्योर्ड है उस पर 10% का जो सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके दिया जाएगा कवर। ओके, यानी कि अगर पॉलिसी आपकी जो है 50 लाख की है तो अगले 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू हो जाती है, उसका जो कवर अमाउंट हो जाएगा 55 लाख का। ओके, यानी कि 10% इंक्रीज हो जाएगा। और फोर्थ जो है प्लान ऑप्शन वो सेम इंक्रीजिंग कवर सेम वही रहेगा, प्लस जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा ऐड केयर कर दिया जाएगा। तो ये टोटल जो है 4 प्लान ऑप्शन ऑफर करती है एसबीआई लाइफ ईशील्ड प्लान, जो है 4 प्लान ऑप्शन जो ऑफर करती है आपको। तो प्लीज़ ये जरा ध्यान देना, लेवल कवर मीन्स जो है नॉर्मल जो नॉर्मल पॉलिसी है वो, और इंक्रीजिंग कवर मीन्स हर 5 साल बाद आपको जो है सम अश्योर्ड पर 10% का जो है अमाउंट इंक्रीज करके मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है पहले बात करते हैं एंट्री एज की इस पॉलिसी को लेने के लिए। तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 60 साल है अगर आप इंक्रीजिंग कवर लेते हो। ओके, और यही अगर आप लेवल कवर लेते हो नॉर्मल पॉलिसी लेते हो तो 65 ईयर्स इस पॉलिसी की मैक्सिमम एंट्री एज है। ओके, तो मैच्योरिटी एज की बात करें तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज दोनों पॉलिसी के लिए इंक्रीजिंग कवर और लेवल कवर के लिए 70 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट जो है पॉलिसी टर्म की, कितने समय के लिए आप इस प्लान को ले सकते हो। तो अगर आप नॉर्मल पॉलिसी लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 5 साल के लिए इस प्लान को लेना होगा, और यही अगर आप जो इंक्रीजिंग कवर लेते हो तो आपको 10 साल के लिए इस प्लान को लेना होगा। नेक्स्ट जो है मैक्सिमम की बात करें तो दोनों कवर के लिए आपको 35 ईयर्स है जो है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो सम अश्योर्ड की बात करें तो सम अश्योर्ड यहाँ पर जो मिनिमम 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने का सम अश्योर्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट अगर आप एनुअली लेंगे, ओके, आप कम से कम आपको इसको हर साल का 3,500 रुपये कम से कम प्रीमियम पे करना होगा इस पॉलिसी को लेने के बाद, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितनी की पॉलिसी लेते हैं। नेक्स्ट जो है प्रीमियम पेमेंट मोड, तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर तो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको जो है एनुअली ये जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वो एनुअली देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एसबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर मुझे 3 पेमेंट ऑप्शन दिखे थे कि जो है मंथली है, हाफ ईयरली है और ईयरली है, 3 पेमेंट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कवरेज। कवरेज की बात करें तो ये जो पॉलिसी है आपको डेथ बेनिफिट कवर प्रोवाइड करती है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाने पर जो भी पॉलिसी का पैसा है उसके घर वालों को दे दिया जाएगा। सेकेंड जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही जो है आप जो परमानेंट डिसेबिलिटी का भी जो कवर ऐड करवा सकते हैं इस पॉलिसी में। नेक्स्ट जो है फ्री लुक पीरियड,
किस पॉलिसी को लेने के बाद अगर 15 दिन के अंदर आप इस प्लान से सेटिफाइड नहीं है तो विद इन 15 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं, और आपने जो भी प्रीमियम का पैसा पे किया है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस कर देगी। तो इसको समझने के बाद चलो एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि बेसिकली प्लान काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए एक एज ली है किसी भी व्यक्ति की 30 साल की, और उन्होंने जो सम अश्योर लिया है पॉलिसी जो 50 लाख की पॉलिसी ली हुई है, और पॉलिसी टर्म जो है पॉलिसी की जो समय है वो 20 साल लिया हुआ है पॉलिसी को। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर उनकी जो उम्र है वो 30 साल है, तो अगर 30 साल की उम्र से अगर वो 50 साल का प्लान लेते अगले 20 साल के लिए तो उनको जो प्रीमियम बैठेगा वो है 349 यानी 300 साढ़े लगभग 350 रुपये का जो उनको मंथली प्रीमियम भरना होगा। ओके, तो नेक्स्ट ये जो प्लान है अगले 20 साल तक उनको जो कवर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर सपोज ये मान लेते हैं कि प्लान को लेने के बाद जब उनकी उम्र थी 30 साल, प्लान को लेने के बाद अगले 5 साल बाद अगर उनकी कोई सडन डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या फिर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ पता चलता है कि उन्हें कोई जानलेवा बीमारी है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर की फैमिली को या पॉलिसी होल्डर को पूरे के पूरे 50 लाख जो भी सम अश्योर्ड था पॉलिसी का, जो भी पॉलिसी अमाउंट था वो उनके घर वालों को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर ये तो नॉर्मल कवर के लिए था कि बेस जो लेवल कवर होता है उस जो उस प्लान को लेने के बाद ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन अगर उनको चाहिए कि जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनका जो कवर अमाउंट है जो सम अश्योर्ड है वो भी इंक्रीज हो उस महंगाई के साथ साथ, तो उनको जो है इंक्रीजिंग कवर लेना चाहिए जिसमें उनको मंथली 50 लाख की पॉलिसी के लिए 50 लाख की पॉलिसी के लिए उनको मंथली प्रीमियम जो भरना होगा 386 का 386 रुपये का जो है हर महीने का प्रीमियम पे करना होगा। और इस प्रीमियम को लेने के बाद, इंक्रीजिंग कवर को लेने के बाद, उनको जो है हर 5 साल बाद उनका जो भी सम अश्योर्ड है उस पर 10% जो है ऐड करके जो कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने ली इंक्रीजिंग कवर 30 साल से। ओके, तो 30 साल के बाद 35 साल उनको कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, और अगले 11 साल बाद यानी कि जब पर्सन की जो उम्र हो गई है, व्यक्ति की जो उम्र हो गई 41 साल, तब जाके कहीं ऐसा पता चला कि उनको कोई उनकी डेथ हो गई या उनको कोई जानलेवा बीमारी है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको जो है 60 लाख रुपए जो है सम अश्योर्ड मिल दे दिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग कवर उन्होंने लिया हुआ है, तो यहाँ से 30 साल से 35 साल यहाँ पर जो हो गए 5 साल पूरे कंप्लीट, तो 50 साल की 50 लाख की पॉलिसी पर 10% इंक्रीज होने पर जो अमाउंट हो जाता है वो 55 लाख हो गया, और यहाँ से लेके और 5 साल यहाँ पर और 5 लाख ऐड हो गए तो टोटल हो गए 60 लाख। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी जो थी सिर्फ 50 लाख की, लेकिन जो बेनिफिट मिला वो 60 लाख का मिला, और यही अगर 5 साल और जो है ऐड कर दिया जाए इस पॉलिसी में, तो जो अगर 41 साल के बाद सॉरी यहाँ पर जो 49 ईयर्स होना चाहिए था पर्सन की एज, तो 49 ईयर्स पे अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है या कोई उसको जानलेवा बीमारी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको जो है 65 लाख रुपए का जो है सम अश्योर मिलेगा उसके घर वालों को या फिर नॉमिनी को उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पॉलिसी जो है आपको नॉर्मल बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ ही आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है, और आपको कोई टर्मिनल इलनेस होती है, जानलेवा बीमारी हो तो भी आपको जो है सम अश्योर का अमाउंट पूरा का पूरा दे देती है। और यहाँ पर एक और जो बेनिफिट है इंक्रीजिंग कवर का वो भी बहुत अच्छा है, इसके लिए तो लाइक दे दो वीडियो को। और इस पॉलिसी की जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो है 97% की क्लेम सेटलमेंट रेशियो इस पॉलिसी की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो SBI ईशील्ड प्लान के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये जो प्लान है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन दोस्त जो मेरी जो प्रेजेंटेशन है और मेरा जो ये हार्डवर्क है उसके लिए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देके जाना, इसके साथ ही कमेंट करना इस पॉलिसी के बारे में, लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरी इस चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।